नमस्कार। आचार्य श्री महाश्रमण जी, तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चंद्र गोयल जी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी साथी, ये हम सभी का सौभाग्य है कि संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के पवित्र अवसर पर हम सब एक साथ जुड़े हैं। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद को आप भी, मैं भी और हम सभी अनुभव कर रहे हैं। संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनको आज नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी विशेष रूप से नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। कोरोना की परिस्थिति के बीच भी उन्होंने इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के जरिए इतने प्रभावी ढंग से आयोजित किया है। साथियों, आप में से अनेक जन ऐसे हैं जिन्हें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सत्संग और साक्षात्कार दोनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उस समय आपने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव जरूर किया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे जीवन में ये अवसर आचार्य श्री का विशेष स्नेह और आशीर्वाद का सौभाग्य निरंतर मिलता रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था, और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। साथियों, मैंने हमेशा उनके सानिध्य में ये अनुभव किया कि उनके जैसे युग ऋषि के जीवन में अपने लिए कुछ नहीं होता है। उनका जीवन, उनका विचार, उनका चिंतन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, मानवता के लिए ही होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते भी थे, मैं और मेरा, आचार्य जी बार बार कहते थे, मैं और मेरा छोड़ो तो सब तुम्हारा ही होगा। उनका ये मंत्र, उनका ये दर्शन उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई भी देता था। हम सब ने देखा है उनके जीवन में उनका अपना कुछ नहीं था, लेकिन हर कोई
उनका अपना था। उनके जीवन